पंजाब और केवीके में इंतखाबी दंगल कब लगेगा? इलेक्शन कमीशन का वजाहती बयान आ गया। मुल्क में सियासी महाज उरूज पर है, कहीं गिरफ्तारियां हो रही हैं तो कहीं सियासतदान एक दूसरे पर तनकीदी नश्तर चलाने में मसरूफ हैं, जबकि IMF ने भी पाकिस्तानी अवाम पर महंगाई के नए बम गिराने के लिए पाकिस्तान के सामने नए मुतालबात रख दिए हैं। दूसरी जानिब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की अफवाहें भी गर्दिश कर रही हैं। इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौकफ आ गया है। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि पंजाब और KPK में इंतखाबात की चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। पंजाब KPK में इंतखाबात की तारीख का कोई फैसला नहीं हुआ। इलेक्शन की तारीख से मुतालिक गवर्नर को खत का भी फैसला नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली के आम इंतखाबात और कौमी असेंबली की 86 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों पर मुशावरत के लिए 7 फरवरी को इजलास तलब कर लिया है।